125cc का बाइक है तो उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा कम लग रहा है। मतलब पावर के जो लैग पहले मुझे फील होता था वो अभी एकदम ही नहीं है गाइस। और एक चीज़ इसमें गाइस आप लोगों को नया मिलेगा वो है गाइस DTE, मतलब मुझे हल्का सा टैंक पे वाइब्रेशन फील आ रहा है। तो चलो अभी गाइस 40 के स्पीड पे है, ब्रेक टेस्ट में देखते हैं कैसा ब्रेकिंग आप लोगों को मिलता है। तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बताओ इन कोलकाता। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी व्लॉग्स। तो गाइस तुम लोग कैसे हो, करते बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना। तो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे नया बजाज पल्सर NS125 2023 मॉडल E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ। तो गाइस बहुत सारा अपग्रेड अभी हुआ है इस मॉडल में, आप लोग क्या क्या फीचर्स मिलेगा एंड नया अपग्रेड क्या क्या आया है मैं गाइस इस वाले ब्लॉग में डिटेल से बताऊंगा। तो गाइस वीडियो जरूर एंड तक देखना एंड अगर मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं आप लोगों के लिए। इस वाले चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर गाइस लाइक कर देना। इस वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ गाइस बजाज विशा का शोरूम से। इधर पे गाइस आप लोग बजाज का हर एक मॉडल जो है अवेलेबल मिल जाएगा एंड अगर आप लोग कुछ भी बाय करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले की से स्टार्ट करते हैं। इधर पे जो आप लोग की देखने को मिलता है पल्सर का, इधर पे एक बैजिंग है एंड नॉर्मल से की है गाइस, वेव की देखने को नहीं मिलता है। एंड कलर स्कीम की बात करूं अभी आया है शोरूम पे ये है गाइस एक जैसे देख सकते हो ऑरेंज कलर है, और एक कलर स्कीम आप लोग देखने को मिलता है वो है गाइस ग्रे, जो पहले आप लोग को मिलता था ना वैसा सेम टू सेम है। मतलब इधर पे ग्रे एंड 125 जो लिखा हुआ व्हाइट कलर का एक कलर स्कीम आया है एंड दूसरा कलर स्कीम आप देख सकते हो ऑरेंज का। इसमें गाइस बहुत सारा बदलाव हुआ है, आप लोग पूरा डिटेल जो है मिल जाएगा। तो चलो गाइस पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में गाइस आप लोगों को मिलता है छोटा सा एक ग्लॉजी पार्ट के साथ विंडशील्ड, इधर पे दो कलर पैटर्न आप लोग देखने को मिलता है ग्लॉजी एंड थोड़ा मैट फिनिश है। फ्रंट का हेडलाइट की अगर बात करूँ तो गाइस इधर पे नीचे गाइस छोटे छोटे दो पायलट लैम्प मिलता है, हेलोजन हेडलैम्प पे इधर पे बजाज का एक लोगो भी है, नवा प्लेट लगाने की इधर पे प्लेट मिलता है एंड इंडिकेटर की बात करूँ अभी भी गाइस बल्ब इंडिकेटर मिलता है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सीबल है। नेक्स्ट आते हैं तो गाइस मडगार्ड आप लोग देख सकते हो, मडगार्ड के ऊपर गाइस आप लोगों को कार्बन फिनिश टच देखने को मिलेगा एंड फुल फाइबर मटेरियल है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर गाइस आप लोगों को मिलता है रिफ्लेक्टर एंड फ्रंट डिस्क का साइज है गाइस 240mm का फ्रंट डिस्क मिलता है एंड कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। मतलब इधर पे गाइस आप लोग टेक्नोलॉजी देख सकते हो, अगर रियर ब्रेक यूज करोगे ना तो देख सकते हो मैं रियर ब्रेक जो है इधर से यूज कर रहा हूँ एंड इधर पे वर्क हो रहा है। मतलब इसमें गाइस सीवीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, अगर फ्रंट ब्रेक आप लोग यूज करोगे तो रियर ब्रेक ऑटोमेटिक यूज होगा, अगर आप लोग रियर ब्रेक यूज करते हो तो फ्रंट ब्रेक यूज होगा, मतलब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि इस बाइक स्किड होने के चांसेस जो है कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी फीचर से राइडर के लिए। तो ये मिलता है गाइस। अगर एलॉय की बात करूँ तो आप लोगों को ब्लैक कलर का एलॉय देखने को नहीं मिलेगा, इधर पे गाइस सिल्वर कलर का एलॉय व्हील है, पूरा NS200 की तरह ही एलॉय का जो डिजाइन है, इधर पे एलॉय के ऊपर आप लोग स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा। टायर साइज की अगर बात करूँ भाई 80/100 सेक्शन की गाइस ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है यूरो ग्रिप का एंड टायर प्रोफाइल कुछ गाइस आप लोगों को ऐसा मिलेगा। 17 इंच का गाइस आप लोगों को एलॉय व्हील मिलता है फ्रंट में एंड रियर में, दोनों पे गाइस सेम एलॉय का साइज मिलता है। तो चलो अभी रियर सेक्शन पे आते हैं। तो रियर पे गाइस आप लोगों को इधर पे जो लाइट है गाइस पहले की तरह ही पल्सर का मिलता है, नवा पे लाइट अभी भी हेलोजन मिलता है, इधर पे रिफ्लेक्टर भी है एंड टेल टैडी की तरह गाइस इधर पे लुक मिलता है पहले की तरह। टायर हगर भी आप लोगों को देखने को मिलता है एंड अंदर में जो गाइस आप लोगों को छोटा सा मडगार्ड है ना उसके ऊपर गाइस आप लोगों को कार्बन फिनिश टच देखने को मिलेगा। इधर पे जैसे देख सकते हो नाइटॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, 5-स्टेप एडजस्टेबल, एडजस्ट भी कर सकते हो गाइस। सबसे बड़ा जो इसमें गाइस बदलाव हुआ है अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले गाइस NS125 पे आप लोग देखने को मिलता था इधर पे फ्यूल टी, मतलब इधर से गाइस आप लोग मेन टैंक रिजर्व टैंक को जो है कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग ये जो है देखने को नहीं मिलेगा, इधर पे बैजिंग आ चुका है A5 फ्यूल इंजेक्टर। तो गाइस पहले जो NS125 आप लोग देखने को मिलता था इंडियन रोड पे इंडियन मार्केट पे उसमें गाइस आप लोग को मिलता था कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, वो गाइस A5 नहीं था, लेकिन फाइनली 2023 मॉडल पे आप लोगों को पल्सर NS125 देखने को मिलेगा A5। तो गाइस इसके लिए इधर से जो है फ्यूल को ऑन ऑफ करने का जो बटन था वो इधर से हटा दिया, इधर पे FI का स्टिकरिंग आ चुका है एंड इधर पे गाइस कार्बोरेटर था पहले तो वो भी नहीं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, इधर पे गाइस FI कर दिया है तो FI हुआ है एंड और एक चीज़ इसमें गाइस देख सकते हो E20 मतलब
फ्लेक्स फ्यूल के साथ जो ये बाइक को आप लोग राइड कर सकते हो। मतलब गाइस 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल से जो अभी 125 जो है आप लोग राइड कर पाओगे। ये गाइस नया फीचर से जो आप लोग NS125 देखने को मिलेगा, इससे माइलेज भी और भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये अपडेट गाइस बहुत ही दिन से इंतजार था, जो फाइनली आप लोगों को पल्सर NS125 पे देखने को मिलेगा। इधर पे एक स्टिकरिंग भी है। अगर टैंक बात करें तो गाइस आप लोगों को फाइबर का मिलता है टैंक के ऊपर, पल्सर का 3D MLM है, लेकिन 3D MLM में थोड़ा चेंजेस है। पहले गाइस आप लोगों को सिर्फ सिल्वर कलर का मिलता, लेकिन अभी डुअल कलर है, जैसे देख सकते हो ब्लैक एंड सिल्वर। इधर पे कंपनी फिटेड आप लोगों को टैंक पैड भी देखने को मिलेगा, एंड साइड काउल में टैंक काउल के ऊपर गाइस पहले की तरह NS125 की स्टिकरिंग है व्हाइट कलर के साथ, एंड ऑरेंज एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। देखो क्या मस्कुलर टैंक जो है लग रहा है। तो गाइस 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, एंड 50 से 55 तक माइलेज इजी मिल जाएगा। लेकिन वो भी गाइस आप लोगों को राइडर के ऊपर डिपेंड करते हैं कैसे आप लोग इस बाइक को जो राइड करते हो। तो चलो गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट, मतलब इंजन के बारे में। इंजन की बात करूँ, इंजन में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्यूल इंजेक्टर FI मिल रहा है, तो इधर का जो टैंक है वो भी नया है, एंड फ्यूल पंप है उसको भी गाइस इसमें चेंज कर दिया है। चेंज करना जरूरी है क्योंकि E20 है, FI है, तो उसमें तो गाइस चेंज करना ही पड़ेगा। तो नया फ्यूल पंप मिलेगा, नया फ्यूल टैंक है, अंदर पे जो वायरिंग वगैरह वो भी गाइस आप लोगों को नया देखने को मिलेगा। लेकिन इसका वजूद भी गाइस आप लोगों को NS125 किक जो है वो नहीं हटा है। ये चीज़ मुझे गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि गाइस अगर बैटरी का कुछ भी दिक्कत आए ना उस टाइम पे गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है। मतलब अगर बैटरी डेड हो जाए उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है बाइक को स्टार्ट करने में, लेकिन किक होता है तो आप लोगों को वो जो दिक्कत है फेस करना नहीं पड़ेगा। इंजन का पावर फीचर की बात करें गाइस, एयर कूल 2 वाल्व 124.45 cc का इंजन है, 11.8 BHP प्रोड्यूस करते गए 800-500 RPM, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करते गए 11 Nm एट दैट 7000 RPM, एंड माइलेज तो मैं पहले ही बता दिया। इधर पे गाइस 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, एंड इधर पे क्रैश गार्ड भी है। एयर कूल इंजन है, ऑयल कूल वगैरह आप लोग देखने को नहीं मिलता है। इधर पे हील एंड टो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टो का ही ऑप्शन है। और एक चीज़ मुझे गाइस बहुत ही बढ़िया लगा जो पहले भी मिलता था आप लोगों को, वो है गाइस इंजन काउल। इधर पे इंजन काउल देख सकते हो, काउल के ऊपर भी गाइस आप लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इसके लिए बाइक का जो लुक है और भी ज़्यादा गाइस देख सकते हो प्रीमियम लग रहा है। डुअल स्टैंड एंड सिंगल स्टैंड दोनों ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन सिंगल स्टैंड में आप लोग इंजन कटअप सेंसर भी है। अगर सस्पेंशन गिरा हुआ रहेगा तो आप लोग इस बाइक को राइड नहीं कर पाओगे। ओपन चेन सेटअप है, पिलियन राइडर का फुटप्रेस देख सकते हो, फुल जो है एलुमिनियम का है, लेकिन इसमें आप लोग को रबर फिनिश देखने को नहीं मिलता है। राइडर जो फुटप्रेस है उसमें कैसे रबर कोटिंग जो है देखने को मिलता है। इधर पे गाइस आप लोगों को साड़ी का भी मिल जाएगा, एंड रियर फुटप्रेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो रियर एलॉय के ऊपर भी गाइस आप लोगों को जो है स्टिकरिंग मिल जाता है। साइड पैनल पे आते हैं तो गाइस ये जो है इधर पे एयर वेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड दोनों कलर स्कीम के साथ इधर पे जो है ग्रे एंड ब्लैक मैट फिनिश कॉम्बिनेशन के साथ, एंड रियर बॉडी पे NS125 का एक स्टिकरिंग है, इधर पे आप लोगों को स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, एंड ऐसा कुछ लुक है गाइस। गैब्रियल पहले की तरह ही है, सेम टू सेम स्प्लिट गैब्रियल देखने को मिलता है। इधर पे स्टिकरिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा रियर टेल लैम्प के ऊपर। तो गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक का सीट के बारे में। आप लोग स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, फ्रंट राइडर का जो सीट है बहुत ही बड़ा है, एंड कुशनिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड पिलियन सीट भी गाइस सॉफ्ट नहीं है थोड़ा हार्ड है, लेकिन साइज जो है बहुत ही बढ़िया है। इधर पे गाइस सीट ग्रिप मिलता है, जो सीट कवर है कंपनी से बहुत ही सीट ग्रिप जो अच्छा है, एंड इधर पे पैटर्न कड़ा हुआ है जैसे देख सकते हो। राइडर सीट भी एंड पिलियन सीट के ऊपर भी इधर पे थोड़ा पैटर्न किया हुआ है, एंड राइडर सीट से पिलियन सीट देख सकते हो थोड़ा ऊपर की साइड है, मतलब जो पिलियन बैठेगा ना राइडर से थोड़ा ऊपर की तरफ बैठेगा गाइस। तो इसमें गाइस आप लोगों को फ्रंट में मिलता है डिस्क, एंड रियर पे मिलता है गाइस ड्रम। रियर जो एलॉय व्हील है गाइस 17 इंच का मिलता है। साइज के बारे में बताऊं तो 100/90 सेक्शन की गाइस ट्यूबलेस टायर मिलता है, 17 इंच का एलॉय व्हील है। टायर का प्रोफाइल आप लोग चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ गाइस टायर प्रोफाइल आप लोगों को मिलेगा। अंडरबेली एग्जॉस्ट है, आप लोग अभी इग्निशन ऑन करके एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कि अभी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसा मिलेगा। चलो गाइस इग्निशन करते ऑन। तो ये है गाइस आइडल साउंड इंजन का। इंजन का साउंड है उसमें भी गाइस बहुत ज़्यादा मुझे बदलाव लग रहा है, मतलब साउंड जो पूरा चेंज हुआ है पहले से। अभी रेव करके देखते हैं, साउंड में गाइस बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है। मतलब स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट जो साउंड है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा पहले से, अगर मैं कंपेयर करूँ तो साउंड में भी गाइस चेंज हुआ है। एंड इस बाइक का गाइस कार्बोरेट है 144 kg का कार्बोरेट मिलता है, एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो गाइस 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों को लुक मिलता है। तो चलो गाइस यही बात करते हैं इस बाइक का मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो गाइस एनालॉग एंड डिजिटल कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, पहले की तरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इधर पे फ्यूल गेज, बीच में गाइस RPM, लेफ्ट साइड में गाइस वार्निंग वगैरह मिल जाएगा, बैटरी मल फंक्शन इंडिकेटर, अपर डिपर एंड
बजाज का लोगो। तो गाइस राइट से मिलता है इधर पे साइड स्टैंड वार्निंग, ऊपर में आरपीएम लिमिटर स्पीड, नीचे दिखाया गाइस ऑटो ट्रिप ए ट्रिप बी। और एक चीज इसमें गाइस आप लोगों को नया मिलेगा वो है गाइस डीटीई, मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी। बाइक में जितना पेट्रोल है अभी बाइक कितना किलोमीटर चल सकते हो गाइस इधर पे अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देगा। ये गाइस नया इसमें एड ऑन हुआ है जो आप लोगों को पहले देखने को नहीं मिलता था। क्लिप ऑन हैंडल बार है गाइस लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिलता है अपर डिपर पासिंग स्विच इंडिकेटर हॉर्न, एंड राइट साइड मिलता है इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ। तो ग्रिप वगैरह में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है पहले की तरह, आपको मिरर देखने को मिलेगा। तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बताओ इन कोलकाता 130,000 तक तो थोड़ा शुम्दुरा वेरी करेगा, लेकिन ऑन रोड यही है गाइस। इधर पे जैसे देख सकते हो गाइस ओबीडी 2 का बैजिंग भी आ गया है, एंड इधर पे गाइस आप लोगों को जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का फीचर्स मिलते हैं। इधर पे फ्रंट ब्रेक का एंड रियर ब्रेक का जो सिस्टम है गाइस इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा, इधर से एडजस्ट कर सकते हो। तो लुक वाइज तो गाइस बाइक में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो सारे चेंजेस है इंजन पे एंड फ्यूल पंप पे चेंजेस हुआ है। E20 फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल के साथ आप राइड कर सकते हो, FI को जो है चेंज कर दिया, फ्यूल टैंक फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया है। इधर पे सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा, वैसे तो कोई बदलाव नहीं है। तो गाइस जितना सारा फीचर्स बता रहा था वो तो सारी चीज़ बता दिया। अभी गाइस मैं लूंगा इस बाइक का टेस्ट राइड एंड मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो गाइस आप लोगों से शेयर करूंगा कि अभी FI होने के बाद आप लोगों को राइडिंग क्वालिटी पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा एंड मुझे क्या राइड करने के टाइम में फील आता है चेंजेस। चलो गाइस राइड करके देखते हैं इस बाइक को। तो गाइस मेरा हाइट है 5.9 फीट, तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, मतलब दोनों तरफ इजीली पैर पोस्ट करेगा। 5.5 या 5.6 का बंदा भी होगा ना वो भी गाइस इस बाइक को इजीली राइड कर पाएगा, उतना ज़्यादा सीटेड नहीं है। चलो इग्निशन करते ऑन। साउंड में गाइस बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है पहले मॉडल से इस मॉडल में। पहले तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता था, इसमें गाइस FI कर दिया है। साउंड गाइस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से। तो चलो अभी बैठ करके देखते हैं। तो फर्स्ट बताऊँ तो गाइस सीटिंग पोस्चर थोड़ा मुझे सामने की तरफ झुक कर बैठा हूँ, थोड़ा सा पैर जो है मेरा थोड़ा पीछे की तरफ है। टैंक को मैं गाइस इजीली पैर से जो है ग्रिप कर पा रहा हूँ, एंड इधर से लुक देखो गाइस क्या ही प्यारा लुक आ रहा है, मतलब मस्कुलर से फ्यूल टैंक। इधर पे पल्सर का लोगो है, लोगो भी चेंज कर दिया है टैंक काउल की वजह से ना, इधर का जो लुक है गाइस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एंड मस्कुलर लगता है। एंड हॉर्न भी गाइस मस्त है, सिंगल हॉर्न है। सबसे बड़ा जो बदलाव मुझे लग रहा है वो है गाइस साउंड एंड रिफाइनमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। गियर शिफ्टिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। क्लच गाइस क्या ही बताऊँ कितना ज़्यादा पहले से जो है स्मूथ हो चुका है, मतलब छोटा भी हुआ है क्लच एंड स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बटरी स्मूथ आप लोग क्लच देखने को मिलेगा। एंड गियर शिफ्टिंग की अगर बात करूँ तो गाइस उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, 5K ट्रांसमिशन मिलता है गियर शिफ्टिंग में, कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं आ रहा है। एंड सीटिंग पोस्चर में मुझे थोड़ा चेंजेस लग रहा है कि मैं सामने की तरफ ना हल्का सा, मतलब 20% पावर के चल सकते हो, मैं हल्का सा सामने की तरफ झुक कर बैठा हुआ हूँ। एंड E20 फ्यूल आप लोगों को मिलेगा, इधर पे बैजिंग भी देख सकते हो। रिफाइनमेंट एंड इंजन का साउंड में मुझे गाइस बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है बाइक। सीट की अगर बात करूँ तो कुशनिंग राइडर का जो सीट साइज है एंड कुशनिंग है गाइस सॉफ्टी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड अभी मैं गाइस 5th गियर पे 40 का स्पीड पर राइड कर रहा हूँ, मुझे हल्का सा टैंक पे वाइब्रेशन फील आ रहा है, फुट पे जो हल्का सा वाइब्रेशन फील आ रहा है, लेकिन हैंडल बार पे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील नहीं आ रहा है, लेकिन गाइस 5th गियर पे 40 पे मुझे हल्का सा वाइब्रेशन फुट पे एंड टैंक में फील आ रहा है। तो चलो अभी हैंडल रेडियस चेक करके देखते हैं कि टैंक काउल के बाद भी हम लोग कैसा हैंडल रेडियस मिलता है। ठीक ठाक ही है, और थोड़ा होता तो अच्छा होता। 125cc का बाइक है तो उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मतलब हैंडल रेडियस। क्लच गाइस इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया, अगर आप ट्रैफिक कंडीशन में डेली कम्यूट करते हो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोगों को बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, क्लच पकड़ना पड़ता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लच छोटा भी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, तो डेली कम्यूट करने में आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि माइलेज भी अच्छा देता है 50 से 55 तक तो ईजिली गाइस मिल जाएगा। एंड अभी और भी थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि इसमें E20 एंड फ्लेक्स फ्यूल मिलता है एंड नेकेड है ऊपर से। एंड हैंडलिंग ना गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है गाइस, तो नेकेड भी है, ट्रैफिक में गाइस फिल्टर करने के टाइम भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो अभी गाइस 40 के स्पीड में है, ब्रेक टेस्ट का देखते हैं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है कैसा ब्रेकिंग आप लोगों को मिलता है। यस गाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कॉम्बी ब्रेक है तो आप लोग अगर पैनिक ब्रेकिंग करोगे ना कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। कॉम्बी ब्रेक है तो टायर जो स्किड करने के चांसेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, ड्रम का थोड़ा मुझे लैग लगा लेकिन फ्रंट डिस्क का जो बाइट है वो वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड क्लच छोड़ने पर ही एक जो पुल आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब 125cc का बाइक है, ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, जब भी क्लच छोड़ रहा हूँ ना एक पुल बाइक से फील आ रहा है। एंड पल्सर में सबसे बड़ा अच्छा लगता है जो बीच में जो RPM मीटर मिलता है ना, ये चीज़ मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है गाइस एनालॉग पे जो RPM मीटर मिलता है,
मीटर भी मिलता है लेकिन वो ठीक है, लेकिन जो आरपीएम मीटर है ना इसके लिए और भी ज्यादा गाइस बढ़िया लगते हैं। स्विच पे जो लाइट देख पा रहे 125 सीसी के अंदर, स्विच में लाइट तो सिर्फ आप लोग KTM एंड बजाज आप लोगों को ऑफर करेगा। ये भी चीज मुझे बहुत बढ़िया लगता है, नाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रीमियम टच देता है एंड स्विच वगैरह भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अगर विथ पिलियन भी आप लोग राइड करोगे ना कुछ भी कैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अभी विथ पिलियन ही राइड कर रहा हूँ, एकदम ही कैसे कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि पिलियन बैठने से जो है थोड़ा दिक्कत है राइडर को, ऐसा एकदम भी नहीं है। मिरर भी गाइस आप लोगों को पहले की तरह सेम टू सेम मिरर मिलते हैं, जो रियर पे अच्छा खासा मुझे जो है विजिबिलिटी मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है गाइस इस बाइक का स्मूथनेस, मतलब रिफाइनमेंट एंड स्मूथ इतना ज़्यादा पहले से हो गया है ना, तो ये चेंजेस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इंजन में जो आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है एंड बहुत ही स्मूथ हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी 50 पे क्रूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे 40 से कम वाइब्रेशन फील आ रहा है, मतलब 40 पे जो फुट से वाइब्रेशन फील आ रहा था ना वो गाइस 50 के आसपास उतना ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन जो एकदम ही फील नहीं आ रहा जितना 40 स्पीड में आ रहा था, पता नहीं क्यों। एंड पावर में भी थोड़ा मुझे चेंजेस लग रहा है पहले के कंपैरिजन पे। पहले ना एक थ्रॉटल खोलने के टाइम एक लैग मिलता था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, लेकिन अभी गाइस थ्रॉटल पे पावर पे एकदम भी लैग नहीं है। जब भी मैं थ्रॉटल घुमा रहा हूँ बाइक पुल कर रहा है, पावर के जो लैग पहले मुझे फील आता था वो अभी एकदम ही नहीं है गाइस। 5000 के ऊपर गाइस तो थोड़ा रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब पुल जो है और भी ज़्यादा मिल रहा है बाइक में। एंड हाई आरपीएम में ना उतना ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है, 5 गियर है तो कुछ भी दिक्कत भी नहीं आएगा आप लोगों को। एंड एग्जॉस्ट नोट गाइस क्या ही सूदिंग से एग्जॉस्ट नोट आ रहा है हेलमेट के अंदर। सस्पेंशन की बात करूँ फ्रंट व्हील टेलीस्कोपिक है, पीछे का नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। हम लोग कुछ देर बाद सस्पेंशन को टेस्ट करेंगे एक खराब सी रोड पे, तो गाइस अभी सस्पेंशन को करेंगे टेस्ट इधर पे थोड़ा सा खराब सी रोड एंड इधर पे करेंगे गाइस हम लोग सस्पेंशन टेस्ट करते हैं सस्पेंशन कैसा मिलता है। यस गाइस एकदम भी झटका नहीं है, मतलब राइडर सीट पे भी झटका नहीं आ रहा है, हैंडल बार पे एकदम भी झटका नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है कम्फर्ट है बाइक में। फ्रंट सस्पेंशन रियर सस्पेंशन दोनों से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस। तो गाइस इसमें एक फीचर्स मिलता है वो है साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर। अगर बाइक साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा अगर आप गियर देते हो तो इंजन को जो ऑटोमेटिक जो कट ऑफ कर देगा। ये फीचर्स जो है राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे तो गाइस साइड करके बहुत ज़्यादा मज़ा है, मतलब अच्छा है। अगर आप लोग डेली कम्यूट करना चाहते हो उन लोगों के लिए जो बाइक है बेस्ट है। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बजाज विशा का शोरूम से, इस शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी गाइस कमेंट कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो चलो बाय।